राम राम दोस्तों, मैं आपकी प्यारी दुलारी चुगल किशोरी। कैसे हैं आप लोग? नए हफ्ते की शुरुआत हो चुकी है और इसी के साथ टीवी की दुनिया में बड़े और शानदार ट्विस्ट आने वाले हैं। अनुपमा में अनुज की खुशी के लिए अनुपमा कुछ बड़ा करने वाली है, तो वहीं ये रिश्ता क्या कहलाता है में 6 साल बाद अक्षरा के दिल में अभिमन्यु के लिए दबा प्यार सबके सामने आ जाएगा। तो वहीं कुंडली भाग्य में करण और प्रीता की खुशियों को नजर लगने के लिए अंजलि कोमा से बाहर आ चुकी है। अब ये तो थी मोटा मोटी जानकारी, लेकिन पूरी जानकारी जानने के लिए आपको हमारा शो देखना होगा। तो चलिए जानते हैं कि आज किस किस के घर में क्या क्या होने वाला है। अनुपमा में इजहार है मोहब्बत भी हो रहा है, तो दूसरी तरफ अनुज और अनुपमा दोनों ही धर्म संकट में फंस चुके हैं, क्योंकि माया छोटी को अपने साथ ले जाने की बात कर रही है और छोटी के बिना अनुज रह नहीं पाएगा। तो अब क्या अनुज की खुशियों के लिए माया के सामने अनुपमा अपना सुहाग कुर्बान कर देगी? अब ये तो आपको आने वाले एपिसोड में पता लगेगा। लेकिन आज के एपिसोड में अनुज ने तो हनुमान जी की तरह अपना सीना चीर कर दिखा दिया है कि उसके दिल में सिर्फ और सिर्फ अनुपमा ही है। वो शायराना अंदाज में माया के सामने कहता है कि इस दिल में किसी का साया माया नहीं है सनम, और कभी इस दिल में तेरे सिवा कोई आया नहीं है सनम। मतलब वाह वाह क्या बात है। अनुज माया से कहता है कि तुम्हारे दिल में जो भी है मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मेरे दिल में हमेशा से अनुपमा थी, है और आगे भी रहेगी। बरखा माया को घर से निकालने के लिए कहती है, लेकिन माया कहती है कि अनुज ने उसे 1 महीने के लिए और रहने के लिए कहा है। अब अनुज कहता है कि पहले मुझे तुम्हारे इरादों के बारे में नहीं पता था, लेकिन अब तुम इस घर में बिल्कुल नहीं रह सकती। अनुपमा कहती है कि अब तक तुमने जितना किया उसके लिए थैंक यू, लेकिन अब यहाँ से निकल जाओ। अब ये सुनकर माया भड़क जाती है और कहती है कि जाऊँगी तो छोटी को साथ लेकर जाऊँगी, क्योंकि वो मेरी बेटी है। अब अनुपमा कहती है कि तुम अब छोटी का इस्तेमाल कर रही हो। माया कहती है कि वो ये सब अपनी बेटी के लिए कर रही है और उसके पास ही रहना चाहती है। वो अनुपमा से 1 दिन की मोहलत और मांगती है, लेकिन अनुज और अनुपमा दोनों बिना कोई जवाब दिए ही वहाँ से निकल जाते हैं, जिसके बाद अनुज कहता है कि वो छोटी के बिना रह नहीं पाएगा। अब अनुपमा और अनुज दोनों ही धर्म संकट में फंस चुके हैं। अब अनुपमा को डर है कि माया छोटी को अपने साथ ले जाएगी या नहीं। अगर ऐसा होगा तो अनुज तो पूरी तरह टूट जाएगा। वहीं ये रिश्ता क्या कहलाता है में 6 साल बाद अक्षरा के दिल में अभिमन्यु के लिए दबा प्यार सबके सामने आने वाला है। अभिमन्यु को अपनी गोद में लिए ऐसे बिलक बिलक कर रोएगी कि क्या ही कहें, हमारे भी आंसू बहने लगे ये देखकर। आने वाले एपिसोड में अभिमन्यु का एक्सीडेंट होने वाला है और उसे खून से लथपथ देखकर अक्षरा को तो कलेजा मुंह को आ जाएगा। होता ये है कि मंजरी बहुत परेशान है और अभिमन्यु से सवाल करती है। अभिमन्यु कहता है कि जैसा आप चाहती हो सब कुछ वैसा ही तो हो रहा है, लेकिन मंजरी कहती है कि वैसा ही तो नहीं हो रहा, तेरे दिल में और दिमाग में आज भी अक्षरा बसी हुई है। वो कहती है कि तूने पूजा में भी आरोही की जगह अक्षरा का नाम लिया, वो तो अच्छा हुआ कि आरोही ने सुना नहीं। अभिमन्यु कहता है कि मुझे ऐसा कुछ भी याद नहीं है। मंजरी कहती है कि आज भी तू सिर्फ अक्षरा को देख रहा है, लेकिन देखना है तो उसके साथ उसके पति को देख, बच्चों को देख, वो खुश है लेकिन तू खुश नहीं है। इसके बाद अभिमन्यु अक्षरा के लिखे हुए पुराने खतों को देखता है और खूब रोता है और उसे दिल से याद करता है। उधर अक्षरा को अभिनव का लिखा हुआ लेटर मिल जाता है जिसमें उसने प्यार का इजहार किया है। इसके बाद अक्षरा अभिनव से अपने रिश्ते को आगे बढ़ाने की बात कहती है। अब आगे आने वाले एपिसोड में अभिमन्यु का एक्सीडेंट हो जाएगा और अक्षरा बेकाबू होकर उससे लिपट जाएगी, और ये देखकर सबसे बुरा हाल होगा आरोही का। वहीं कुंडली भाग्य में प्रीता और करण की खुशियों को जल्द ही अंजलि नाम की बला लगने वाली है। अभी तो दोनों की ज़िंदगी में थोड़ी सी खुशियां आई हैं, लेकिन अब वो ज़्यादा देर तक नहीं टिकेंगी। होता ये है कि प्रीता ने 2 बच्चों को जन्म दिया है और सभी लोग बहुत खुश हैं। करण भी अपने दोनों बच्चों को गोद में लेकर बड़ा खुश होता है। वो कहता है कि मेरे लिए ये किसी सपने जैसा है। अब प्रीता कहती है कि काव्या के जन्म के समय भी वो ये फीलिंग महसूस कर रही थी, लेकिन उसे दुख था कि वो उसके पास नहीं था। अपने आंसू पोंछते हुए वो करण से कहती है कि वो बहुत खुश है कि वो वापस लौट कर आ गया। तभी परिवार के सदस्य सभी एक एक करके प्रीता और बच्चों को गर्मजोशी से गले लगाते हैं, और इसी बीच अचानक अंजलि जाग जाती है और उसे महसूस होता है कि निधि कमरे में नहीं है और उसने अर्जुन की आवाज़ सुनी है। अब अंजलि होश में आ चुकी है और देखना होगा कि वो अगला स्टेप क्या लेगी। वहीं गुम है किसी के प्यार में होली पर विराट बड़ा धमाका करने वाला है और सई को गिरफ्तार करने वाला है, वो भी अनोखे जुर्म में। विराट सई को इसलिए गिरफ्तार करेगा क्योंकि उसने अपने पति यानी विराट को रंग नहीं लगाया।
हमें तो लग रहा है कि दोनों के बीच होली के रंगों के साथ साथ प्यार का रंग भी बरसने वाला है। होता यह है कि वीनू उदास है क्योंकि उसे रेस्टोरेंट जाना था, लेकिन पत्रलेखा वीनू को बताती है कि अब विराट का एक और परिवार है जिसमें सई और सवी है, लेकिन कल होली है तो हम दोनों साथ मिलकर होली मनाएंगे। अब ये सारी बातें भवानी काकू सुन लेती है और पत्रलेखा को खूब खरी खोटी सुनाती है। वो पाकी से कहती है कि वो यहाँ पर जो करने की कोशिश कर रही है वो सब कुछ समझ रही है, लेकिन वह होलिका दहन पर पूरा परिवार को एक साथ देखना चाहती है। अब अगले दिन होलिका दहन पर विराट पत्रलेखा को छोड़ सई की खूबसूरती में खो जाएगा। अरे होलिका दहन पर सबसे पहले पाकी को सब लोग खूबसूरत बताते हैं। विराट भी सामने आकर पत्रलेखा की तारीफ करता है, लेकिन जैसे ही वहां सई आती है तो विराट की नज़रें भी सई पर टिक जाती हैं और ये सब देखकर पत्रलेखा का दिमाग खराब हो जाता है। आने वाले एपिसोड में विराट सई को गिरफ्तार करने वाला है और शो में आपको बड़ा ट्विस्ट देखने को मिलेगा। तो दोस्तों ये तो थी आज के सीरियल्स की जानकारी। आपको हमारा शो कैसा लगा हमें लाइक कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लें। आपसे फिर मुलाकात होगी किसी नई वीडियो के साथ। नमस्कार।